हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, रोमन रेक्स ने उनके WWE में रिटर्न आने के लिए ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है और उन्होंने बोल दिया है कि वो रिटर्न आने के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे। और दोस्तों, ये इंटरव्यू उन्होंने मेट्रो प्लस को दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो कॉन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि रेसलमेनिया 36 में रोमन रेक्स फेस करने वाले थे बिल गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए, और इस मैच में रोमन जीतकर यूनिवर्सल चैंपियन बन भी जाते और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन चैंपियन अभी रोमन रहते। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से उन्हें WWE से टाइम ऑफ लेना पड़ा और रेसलमेनिया 36 में उनकी जगह ब्रॉन स्ट्रोमन बिल गोल्डबर्ग को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। पर दोस्तों, रोमन रेक्स ने अभी हाल में मेट्रो प्लस को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो उनके अपोनेंट्स को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसलिए वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके WWE में रिटर्न आने के लिए। और जहां तक रही परफॉर्म करने की बात, तो खाली अरीना उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी सीखा है वो WWE लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना और उनका रिएक्शन निकालना सीखा है। इसलिए खाली अरीना में परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा टफ है और जो भी WWE सुपरस्टार्स अभी खाली अरीना में परफॉर्म कर रहे हैं, रोमन उनकी सराहना भी करते हैं। और दोस्तों, रोमन रेक्स ने इंटरव्यू देते हुए आगे बताया कि क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है कि WWE ऑडियंस अभी नहीं आ सकती है, इसलिए वो रिंग में जाकर हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो टाइटल मैच में, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में फाइट करेंगे। और दोस्तों, वो ये प्रूफ कर देंगे कि वो पर्वत के ना सिर्फ सबसे ऊंचाई पर है बल्कि वो खुद एक पर्वत है, और वो WWE शो में आए या नहीं वो फिर भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और दोस्तों, ये सब बातें उन्हें रिटर्न आकर प्रूफ करनी है। दोस्तों, रोमन रेक्स ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने WWE से टाइम ऑफ इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें बाकी WWE सुपरस्टार पर यकीन नहीं था कि वो सब भी उनकी तरह लॉकडाउन में है और वो सब भी कोरोना वायरस को उतना ही सीरियसली ले रहे हैं जितना कि रोमन ले रहे हैं। दोस्तों, रोमन ने कहा कि वो WWE सुपरस्टार्स को रिंग के अंदर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात रही कोरोना की, उन्हें ट्रस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर रोमन को कोरोना की वजह से कुछ होता है तो उनके ट्विंस बच्चों को भी ये वायरस अफेक्ट कर सकता है, और इसलिए उन्होंने WWE से टाइम ऑफ सिर्फ और सिर्फ उनके फैमिली के लिए लिया है। दोस्तों, रोमन रेक्स ने आगे इंटरव्यू देते हुए बताया कि अभी जब वो WWE से टाइम ऑफ ले रहे हैं तो उनके रोज के दिन कैसे गुजर रहे। दोस्तों, रोमन ने कहा कि क्योंकि उनके दो ट्विंस बच्चे इसी साल दुनिया में आए हैं, इसलिए उन दोनों की देखभाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो रोमन को रात भर जगाए रखते हैं और सुबह 6:30 बजे उनके दोनों बेटे उठ जाते हैं। और दोस्तों, इसलिए रोमन भी सुबह सवेरे उठकर उनके बेटों की देखभाल करने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रोमन को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि उनका परिवार और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, रोमन रेक्स के जाने के बाद उनके फैंस उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि रोमन अब जल्दी रिटर्न आने वाले हैं और उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि वो रिटर्न आने के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि रोमन या तो एक्सट्रीम रूल्स 2020 में या फिर उसके बाद वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आ सकते हैं, ताकि वो समरस्लैम 2020 में फेस कर सकें यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन को। तो दोस्तों, अब आप भी कमेंट्स में बताएं कि क्या आप रोमन रेक्स का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, और अगर रोमन रेक्स के रिटर्न आने के बाद उनका मैच ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ हुआ तो कौन जीतेगा, द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर द बिग डॉग रोमन रेक्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।